अप्रैल 1919 की घटना। ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिसे इस ब्लैक डे काले दिन के रूप में ये 13 अप्रैल 1919 की जो घटना थी ये किसी को याद ना हो, बल्कि सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय को जो थोड़ा बहुत भी इतिहास के बारे में जानकारी रखता है, जलियांवाला बाग में उस समय पंजाब के अमृतसर के जलियांवाले बाग में किस प्रकार से नरसंहार हुआ था ये घटना किस भारतीय को याद ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन में हम इसी घटना के बारे में अर्थात इसी 13 अप्रैल 1919 के इस ब्लैक डे के बारे में हम पूरे विस्तार से और व्यवहारिक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। ये सिर्फ आपकी किताबों का या आपके सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है बल्कि प्रत्येक भारतीय के जीवन का एक हिस्सा है। ऐसी ही कुछ घटनाएं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा जो इतिहास के काले पेचों में लिखा जा चुका है इसी घटनाओं को हमें हमेशा याद रख करके इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे और आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं उनको मैं बता दूं, जो भी छात्र पहली बार सेशन को देख रहे हैं, पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं या पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आपके सिलेबस से संबंधित प्रत्येक सब्जेक्ट हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कमेंट की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां जाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट नाम लिखा हुआ, जो भी सब्जेक्ट आपका है उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर सभी लेक्चर खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आप थोड़े मोबाइल की फील्ड में या कंप्यूटर फील्ड में मास्टर नहीं है, मतलब आपको नहीं आता है यूट्यूब पर अच्छे से सर्च करना, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेशन के लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहां पर आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करके आप वहां पर जो भी आपके सब्जेक्ट है ना सभी सब्जेक्टों की लिंक व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको यूट्यूब पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे, वहां लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने सभी लेक्चर खुलकर के सामने आ जाएंगे जहां पर नोट्स भी अवेलेबल होगी। क्लियर है? इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है अभी प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल का, ये मेरे द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। तो यदि आप इस पर जाते हैं ना तो यहां पर भी आपको निशुल्क सामग्री देखने को मिलेगी, सब कुछ जो नोट्स है लेक्चर सब कुछ आपको डिटेल में और पूरे जो है निशुल्क रूप से, कोई चार्जेस यहां पर अवेल नहीं है, सब कुछ निशुल्क यहां प्रोवाइड किया गया है। स्ट्रेटजी के साथ हमें यहां पर क्लासेस जो है प्रारंभ कर दी गई है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट होगा निशुल्क रूप से। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में। जैसा कि मैं हर बार लेक्चर में बताता हूँ, आप लोगों को सिलेबस के दर्शन करवाता हूँ, तो कुछ छात्र है जिनको सिलेबस का ही नहीं पता, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं ना, हर एक चैप्टर पर हमारे सेशन हो रहे हैं, हो चुके हैं और कुछ पर होना बाकी है। क्लियर है? तो ये आप देख पा रहे हैं फोर्थ यूनिट का मास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक बचा है, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आज हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? इसके बाद में फोर्थ यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक और बचेगा खिलाफत आंदोलन, इसके साथ ही फोर्थ यूनिट हो जाएगी आपकी कंप्लीट पूरी तरह से, उसके बाद पांचवी यूनिट आपकी शेष रहेगी। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। मैंने प्रारंभ में बताया था दोस्तों कि आधुनिक इतिहास पढ़ने जा रहे हो, इसमें 40 लेक्चर समथिंग होने वाले हैं, कम नहीं होंगे, 40 प्लस लेक्चर होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार कि जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल की जो घटना थी 1919 की, जिसे हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, एक्चुअल में ये घटना क्या थी। अगर हम इस घटना को वास्तविक रूप से समझना चाहते हैं और पूरी तरह समझना चाहते हैं व्यवहारिक रूप से, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, उसके बाद भी यदि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या था, वो रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो रीजन पता होने के लिए ही मैं यहाँ पर दो पॉइंटों में आपको ये आज का लेक्चर लूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रोलेट एक्ट की, क्या था यार ये रोलेट एक्ट, क्यों पढ़ा जा रहा है। भाई आपसे तो बात की गई थी कि हम आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताएंगे, तो ये रोलेट एक्ट को एक नंबर में क्यों जोड़ दिया। रोलेट एक्ट ही एक्चुअल में देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था। क्लियर है? रोलेट एक्ट ही जो है इस कांड के पीछे इस नरसंहार के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए जब तक हम रोलेट एक्ट को नहीं समझेंगे तब तक जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें पूरी तरह व्यवहारिक रूप से समझ नहीं आएगा।
क्लियर है। तो आइए बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इस रोलेट एक्ट को समझने का प्रयास करते हैं, इसी के साथ हमारा सेशन की शुरुआत होगी। चलिए सबसे पहले मैं पूरा कंटेंट आपके सामने खोल करके रख दूं और अब हम क्लास को जो थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। खाली कहानी के रूप में सुनते चलिएगा, पूरा लेक्चर आपको एकदम प्योरिटी के साथ में समझ आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यदि आपके सिलेबस में इतिहास, चूंकि इतिहास है तभी तो आप लोग इतिहास को पढ़ रहे हो ना, अगर इतिहास नहीं भी है तो भी एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो आप सभी को संभवतः याद है। ये घटना थी दोस्तों लगभग 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के जब बादल मंडराने लगे तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन शामिल था, तो ब्रिटेन ने गांधी जी के सामने, मतलब भारत के जो प्रमुख नेता थे, जो पावरफुल नेता थे उस समय के, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा ब्रिटिश सरकार ने, और ऐसे प्रस्ताव या ऐसे वादे जो कभी उन्होंने पूरे नहीं किए, उन्हीं में से एक वादा किया गांधी जी से, कहा कि साहब एक काम, गांधी जी या कांग्रेस के और बड़े नेता थे, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि भारत के नागरिक या भारतीय सेना हमारी ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होती है तो युद्ध समाप्त होने के बाद जब हम प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाते हैं तो हम भारत को स्वराज लौटा देंगे, मतलब भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो इस बात से गांधी जी भी सहमत हो गए कि यार अच्छी बात है, चलिए ठीक है, कुछ ही दिनों की तो बात है, युद्ध हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तो हमको स्वतंत्रता मिलनी है, तो चलो ठीक है, काम करते हैं, ब्रिटेन के साथ देते। गांधी जी ने भी अनाउंस कर दिया कि भाई कोशिश करिए कि अधिक से अधिक भारतीय नागरिक और भारतीय सेना जो है ब्रिटेन का साथ दे इस युद्ध में, उनके दुश्मनों के खिलाफ या मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़े। सभी लोग शामिल हो गए, युद्ध में शामिल हुए, सब कुछ हुआ बहुत अच्छे से, बहुत उत्साह से, भारतीय सेना ने भी जो है इस युद्ध में भाग लिया ब्रिटेन की अर्थात इंग्लैंड की तरफ से। युद्ध समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्र जीत भी गए, सब कुछ अच्छा हुआ और अब भारतीयों को बड़ी ही उम्मीद लग चुकी थी कि अब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन अन्य वादों की तरह ब्रिटिश सरकार ने इस बार भी वादे से मुकरने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, भारत को स्वतंत्र करने के बजाय बल्कि उसने एक तोहफा दिया भारतीयों को रोलेट एक्ट के नाम का। क्या था ये रोलेट एक्ट, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। रोलेट एक्ट की कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 1917 से। कब से? 10 दिसंबर 1917 से। दरअसल जब युद्ध के बाद भी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई तो उस समय जो गर्म खोपड़ी वाले भारतीय थे उन्होंने जगह जगह दंगा करना प्रारंभ कर दिए। जो दंगे थे वो, उनको हम, अगर हम भारतीयों के हित में बात करें तो वो क्रांतिकारी जो है एक्शन थी, क्रांतिकारी घटनाएं थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसको आतंकवादी घटना बोलती थी, तो इसलिए जब हम यहां पर पढ़ेंगे तो वो आतंकवादी घटना के रूप में पढ़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हम किस पक्ष में पढ़ रहे हैं? ब्रिटिश सरकार के पक्ष में, क्योंकि उस समय भारत की सरकार ब्रिटिश सरकार ही थी। तो 10 दिसंबर 1917 को भारतीय सरकार ने, मतलब वही ब्रिटिश सरकार ने, भारतीय सरकार ने एक समिति का गठन किया। किसके लिए किया वही समिति गठन? वो समिति का गठन इसलिए किया था कि वो समिति ये पता लगाए कि भारत में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, गठन कर दिया गया। कौन था इस समिति का अध्यक्ष? तो वो समिति का अध्यक्ष था सर सिडनी रोलेट। क्या नाम था दोस्तों? सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसको काम दिया कि आप पता कीजिए कि भारत में ये आतंकवादी घटनाएं क्यों घटित हो रही है। इस समिति ने छान जांचबीन की, 2 साल इसको लगे अपनी रिपोर्ट बनाने में, 2 साल बाद अर्थात कि 1919 में जाकर के इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। तो रिपोर्ट में कई सारी अनुशंसाएं की, कई सिफारिशें की, उनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें कुछ इस प्रकार की थी। इन्होंने कहा कि आतंकवादी जो भी घटनाएं होती हैं इसको कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए जाना चाहिए, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, उस पर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में रखा जा सकता है, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जिसको संदेह के रूप में या संदेह के आधार पर, मात्र शक होने पर जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे अपने बचाव का कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस प्रकार की कुछ ऐसे ऐसे नियम वहां पर इन्होंने बताया, कुछ इस प्रकार की सिफारिशें की जो भारतीयों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार के हित में थी। सरकार भी पूर्णतः इस समिति से सहमत हुई,
ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना यही थे रोलेक्स साहब, ठीक है। तो ये समिति से सरकार सहमत, समिति से की सिफारिश पर सहमत हुई और सरकार ने क्या किया 1919 में, मार्च 1919 में ही एक कानून पास कर दिया जिसे नाम दिया गया रोलेक्स एक्ट। इस प्रकार की कई ऐसी बातों को इसमें शामिल कर दिया गया जो भारतीयों का खून चूसने के लिए पर्याप्त थी, आप समझिएगा भारतीयों की स्वतंत्रता को हड़पने के लिए पर्याप्त थी। रोलेट एक्ट पास हुआ, लेकिन ये एक्ट अब इस परिस्थिति तक आ चुका था, या कहें ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत का इतिहास अब इस स्थिति तक आ चुका था कि जहां पर अब ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक फैसले को आके बंद करके भारतीय जनता मानने को अब तैयार नहीं थी, बल्कि अब विरोध की लहर पूरे भारत में उठने लगी थी। इसी के साथ में इस कानून को पूरे भारतवर्ष में डटकर इसका विरोध किया गया और इसे काले कानून के रूप में जाना गया। इसे भारत में क्या कहा गया? काला कानून। और ये जो विरोध हो रहा था, इस विरोध का नेतृत्व किया गांधी जी ने। गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट का विरोध किया, विरोध करते हुए जनता का नेतृत्व किया। और गांधी जी भी पहली बार, गांधी जी का भी ये फर्स्ट टाइम था जब ये जनता के सामने खुलकर के आए और उन्होंने सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा जनता के सामने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप विरोध कर रहे हो ना, ये विरोध करने का तरीका आपका गलत है, तरीका बदलिए, सरकार भी घुटनों पर आ जाएगी, आपको तरीका बदलना होगा। और उन्होंने सत्याग्रह का प्रस्ताव जनता के सामने रखा। गांधी जी ने पूरे भारत के चक्कर लगाए, पूरे भारत की यात्रा की और लोगों के सामने, व्यक्तियों के सामने, भारतीय जनता के सामने रोलेट एक्ट की बुराई के बारे में पूरी जनता को अवगत करवाया। और इन्हीं कार्यों से, गांधी जी के इन्हीं कार्यों से जो है जनता के हृदय में वो समा गए, अर्थात गांधी जी ने भारतीय जनता का हृदय जीत लिया। गांधी जी ने साथ में यह भी समझाया कि हमें कुछ इस प्रकार से अब आंदोलन करना होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन करना होगा जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ जाए कि अब भारतीय आंखें बंद करके आपके अत्याचार नहीं सहेंगे, यदि भारतीयों के अधिकार छिनते हैं तो भारतीय जनता आखिरी सांस तक उनका विरोध करेगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ था कि सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष प्रारंभ हुआ, सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष प्रारंभ हुआ गांधी जी की वजह से, बात समझ आई। तो इस तरह से इसका सूत्रपात हुआ रोलेट एक्ट का, बात समझ आई ना। अब ये रोलेट एक्ट की देखिए, कहने को तो दो अलग अलग घटनाएं हैं, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन अब इसके आगे की कहानी जरा समझिए। जब विरोध उठने लगा और जब इस विरोध का, रोलेट एक्ट के विरोध का जब गांधी जी ने विरोध किया या जो है इनका मार्गदर्शन किया भारतीय जनता का, तो जब गांधी जी ने इसमें हाथ डाला ना, तो ब्रिटिश सरकार भी थर्रा चुकी थी, डर चुकी थी। क्यों डर चुकी थी? क्योंकि भारत में आने से पहले गांधी जी तहलका मचा कर आए थे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में तहलका, वहां की सरकार को घोटने, वहां किसकी सरकार थी, वहां पर भी तो ब्रिटेन की ही सरकार थी। तो गांधी जी की सत्य और अहिंसा की लड़ाई से ना ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छे से परिचित थी कि गांधी जी ना बिना लाठी के भी कुछ भी कर सकते। तो ये सत्य अहिंसा वाली लड़ाई, अर्थात कि सत्याग्रह जैसी घटनाएं भारत में ना घटे, उसके लिए जैसे ही गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन प्रारंभ करने का ऐलान किया कि इधर कुछ घटनाओं को, कुछ क्षणिक घटनाओं को, छोटी मोटी घटनाओं को हिंसात्मक बता के और कहा कि ये गांधी जी आपके कारण ये हिंसात्मक घटनाएं हुई है, चलिए आपको जेल में डालेंगे, तो 7 अप्रैल को गांधी जी को जेल में डाल दिया। इतने से भी सुकून नहीं मिला। उसके बाद में पंजाब में 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को दो और बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, एक तो नजरबंद कर दिया था, सत्यपाल और डॉक्टर किचलू साहब को, सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को 10 अप्रैल को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया, इनको जो है अमृतसर से निष्कासित करके धर्मशाला में नजरबंद करवा दिया। अब चूंकि उस समय पंजाब में बड़ा उत्साह था, पंजाब में बड़ा उत्साह था, सेम डे उसी दिन जिस दिन सत्यपाल और किचलू को जेल में नजरबंद किया ना, या कहीं की गिरफ्तार किया, उसी दिन पंजाब में अर्थात की अमृतसर में हड़ताल प्रारंभ हो गई, शांतिपूर्ण हड़ताल हुई थी। 10 अप्रैल 1919 को ही एक आम हड़ताल हुई, सत्यपाल और किचलू की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, शांतिपूर्ण जुलूस था, लेकिन ये जिस तरह से पिक्चर में आप देख रहे हो बिल्कुल अंधाधुंध गोलियां इस जुलूस पर भी चलाई गई।
अंधाधुंध गोलियां चलने से कई व्यक्तियों की मौत हुई, कई व्यक्ति हताहत हुए, घायल हुए। इन सभी घटनाओं से अमृतसर का माहौल बहुत ज्यादा गर्मा चुका था, जनता बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी थी। इस बिगड़ती हुई परिस्थिति को देख करके पंजाब की सरकार ने अमृतसर का जो शासन था वो अपने हाथों से अब क्या किया, ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया कि भैया आप संभालिए, इस विकट परिस्थिति से आप निपटिए। जनरल डायर के हाथों में अमृतसर का शासन अब आ चुका था, कुल मिलाकर के मार्शल लॉ अमृतसर में लग चुका था। जैसे डायर के हाथों में शासन आया तो उसने 12 अप्रैल को, मतलब कि जब गोलीबारी हुई जुलूस पर, उसके दो दिन बाद 12 अप्रैल को अमृतसर में जो है धारा 144 लगा दी। धारा 144 लगा करके जुलूस और जो भी सभाएं थी उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी, कहा कि अब जो है यहां पर 144 धारा लग चुकी है, अब यहां पर किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, कब? 12 अप्रैल को। लेकिन जनता, और चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पंजाब में उस समय माहौल बहुत गर्म था, जनता वहां की बहुत उत्साहित थी कि किसी भी प्रकार से अब भारत को आजाद करवाना है, क्योंकि आजादी की लहर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी गांधी जी की एंट्री के कारण भी। तो सरकार के अत्याचारों से तंग आकर के, अत्याचारों के विरोध में अमृतसर की जनता ने एक आम सभा रखी। कब रखी थी? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल को एक आम सभा रखी, 4:30 बजे इसकी शुरुआत होनी थी। अच्छा, ये आम सभा रखी कहां पर? एक मीटिंग कह सकते हो। कहां पर रखी थी ये? तो ये रखी थी जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। यहां पर जनता का इकट्ठा होना था, सब आम जनता थी, कोई हथियार नहीं थे, शांतिपूर्ण सभा थी जहां सिर्फ बातचीत होनी थी। सभा इधर प्रारंभ ही होती, लेकिन उससे पहले, सभा के प्रारंभ होने से पहले ही जनरल डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ में उस बाग में घुस जाता है, जलियांवाला बाग में आ जाता है। फिर आकर के बिना किसी को चेतावनी दिए, बिना किसी को कोई खबर दिए, जो वहां पर निहत्थी जनता थी उस पर गोलीबारी शुरू कर देता है, गोली चलाना शुरू कर देता है। आम जनता इधर उधर भागने का निष्फल प्रयास करती है, किसी भी प्रकार से जान बच जाए पूरी कोशिश करती है, लेकिन चूंकि जान बचाना इस बाग में संभव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इस बाग में आने और जाने के लिए सिर्फ पतली सी गली हुआ करती थी, उसी गली के सामने डायर की सेना खड़ी हुई थी जहां से वो गोलीबारी कर रहे थे, और कुछ सेना घोड़े पर सवार होकर के जो है गोलीबारी कर रहे थे। इस तरह से लगभग 45 मिनट तक आम जनता पर गोलियां चलती रही, 45 मिनट तक अगर कहें तो संभवतः कुछ ही लोग, अगर कुछ चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो संभवतः ये सारे जनता इस डायर की गोलियों का निशाना बन चुके थे, सब लोग मारे जा चुके थे। बहुत ही भयानक नरसंहार हुआ उस समय। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें, सरकारी आंकड़े कौन निकालता? तो ब्रिटिश सरकार निकालती थी, इसलिए उसने आंकड़े सब कुछ सारे आंकड़े दबा करके ब्रिटिश सरकार के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो इस सभा में, इस नरसंहार में 397 लोग मारे गए थे, लेकिन अगर वास्तविक बात की जाए ना तो 1000 से भी ज्यादा लोग यहां पर मारे गए थे, वो कई हजार लोग घायल हुए थे। और ये भी नहीं देखा इस डायर ने, जो लोग मर रह चुके थे, जो घायल थे, उनके ऊपर जो घुड़सवार वाली सेना थी ना, उन्होंने घोड़े दौड़ाना प्रारंभ कर दिए। घोड़े दौड़ पर इस प्रकार से कई, इस एक ऐसा नरसंहार जो है इस बाग में हुआ था, जिसकी कई सारी घटनाएं, कई अत्याचारों को तो दबा दिया गया, क्योंकि जो इतिहास हम पढ़ते हैं ना, ये इतिहास भी संभवतः उस समय लिखा हुआ था, बहुत ज्यादा डेटा को छुपाया गया है हम लोगों से। नरसंहार हुआ पूरे भारत में, इसकी वर्षना हुई, बहुत भयानक रूप से आलोचना हुई, कई एक्शन में आए इसके बाद में, कई लोग जो भारतीय थे वो एक्शन में आए, और अब जो है क्रांतिकारी घटनाएं इस घटना के बाद में क्रम अनुसार बढ़ने लगी थी। हर भारतीय का सीना या खून अब उगलने लगा था, हर कोई भारतीय अब चाहता था कि हर हालत में इस डायर को सजा मिलनी चाहिए, इस डायर को सजाए मौत मिलना चाहिए, इसकी मौत की साजिश से अब भारत में होने लगी थी। वो खैर अलग घटनाएं थी, लेकिन अगर बात करें सिर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो मैं आपको समझा चुका हूं, 45 मिनट गोलियां झेलने के बाद संभवतः इस बाग का कोई व्यक्ति नहीं बचा। जैसे ही यह घटना हुई
उसके तुरंत बाद में अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। सड़कों पर लोगों को कोलों से पीटा गया। कुछ लोगों को पेट के बल रेंग कर चलने का हुक्म दिया गया। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और पंजाब के जो अखबार थे उन अखबारों को भी सीधी चुनौती दी गई कि आप सच्ची खबरें नहीं छापोगे, कुछ भी छापने से पहले आप हमारे पास आओगे, जो हम कहेंगे वही आप छापोगे, सच्ची बातें नहीं छापोगे। पूरे पंजाब में आतंक का माहौल था, सारे पंजाब की जनता उस समय डरी हुई थी, कुछ इस प्रकार का आतंकी माहौल पंजाब में बना दिया गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये घटना जो ब्लैक डे के रूप में हम हमेशा याद रखेंगे, 13 अप्रैल का दिन, पूरी कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है ना। अगला सेशन भी कुछ इसी प्रकार का होने वाला है, लेक्चर नंबर 38 में हम डिस्कस करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन को भी पूरी तरह से एक कहानी के रूप में ही समझेंगे और इजी मूवमेंट है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये भी, ठीक है ना। चलिए, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आप लोगों से कहा था, जो नए छात्र हैं जिनको डिफिकल्टी आती है लेक्चर मिलने में या सब्जेक्ट मिलने में या प्लेलिस्ट को विजिट करने में, तो वो लोग जो है अब स्क्रीन से मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉपी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करते रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा आपको क्या चाहिए, मैं आपको जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, क्लियर है। इन सबके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब पर जो है हम एक ही नाम से अवेलेबल है, लोदाई क्लासेस के नाम से। डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको संपूर्ण सामग्री कंटिन्यूअसली प्राप्त होती रहती है। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।